उसे देख रहे हो ना, मैं इधर उधर क्यों देख रहा हूँ जीवन में? हाँ, मेरे को क्योंकि थोड़ा सा ना नेस्टॉलजिक फील हो रहा है। इंग्लिश थोड़ा ओके है ना, मतलब नेस्टॉलजिक का कोई तकलीफ नहीं है ना। ऐसा पुरानी यादें, वो आती है ना उनकी पुरानी यादें जैसा कुछ। तो मैं अपना ये टाइम रिकॉल कर रहा हूँ जब मैं कभी इसी बिल्डिंग में आया था, प्यारी सी ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आया था एज अ स्टूडेंट। और आज मेरे को मौका मिल रहा है टू कम हियर एज अ टीचर। सो लाइफ ऐसा रिवर्स हो गया मालूम, उधर बैठने से इधर आके खड़े होने तक के लाइफ, माँ कसम पूरा रिवर्स हो गया। तो ये कनेक्ट हो जाएगा ना जीवन में। ये इतना ही रखो, इतना ही रखो। क्या चीज? हाँ बस ये तो हो जाएगा, हो जाएगा। टीवी? हाँ ना, तो ये तो कनेक्ट हो जाएगा ना सीधा सीधा। चलिए वाईफाई डाल दो। नहीं, टीवी गायब नहीं होगा क्या? नहीं, उसको गायब ही करना पड़ता। ठीक है, आज के लिए तो गायब करो। नहीं, बट ये आंदो आंदो आंदो, पूरा ऑप्शन है। आंदो आंदो आंदो, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे ना लाइट का इशू है। मारे का लाइट का इशू काटो ना। ग्रीन कलर का कपड़ा डाल देता हूँ, ग्रीन कपड़ा ठीक। लाइट का भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है यहाँ पे। या तो एक काम करो ना, स्क्रीन और ये दोनों हटा दो, सिर्फ ये रखा पीछे। तो वो कंप्यूटर स्क्रीन ही हटा दो, ये वाला, इसका आज वैसे भी कोई काम नहीं है। हाँ ये हटा दो ना, ये वाला स्क्रीन हटा दो और ये रहने दो, टीवी रहने दो। अच्छा, कितने लोगों का पहला दिन है आज क्लास का? ही पहला दिन है, ओके ठीक है। और बाकी के लोग ऑलरेडी वो वाले बैच में थे एंड दे आर मर्जिंग ईयर। आई थिंक इकोनॉमिक्स का तो पहला ही दिन है आप सभी का जीवन में, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो, ओके साला मालिक। गुड इवनिंग। थोड़ा आवाज निकालो अंदर से, ऐसा लगने दो आत्मा नहीं शरीर भी लायो। गुड इवनिंग। हाँ जी, तो सबसे पहले एक दूसरे से जान पहचान कर ले और कुछ बातें बता दूं मैं आपको। मेरा नाम है CA CS विजय सारडा। मैंने CA किया है, मैंने CS भी किया है, मैंने BCom भी किया है। डिग्री है भाई, मेहनत करिए उसके लिए, ऐसा थोड़ा मिलती जीवन में। वो मेहनत करिए उसके लिए भी। मैंने 10th किया है, मैंने 12th भी किया है। हाँ मतलब LLB का 2 सेमेस्टर पढ़ा है और UPSC का प्रीलिम्स। समवन बी लाइक, ये एक जन्म में किया है? हाँ मतलब एक जन्म में किया है मैंने। हाँ जी, सो टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पढ़ाना शुरू किया CA फाइनल से। आई टीच डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेस एट CA फाइनल, देन आई टीच डायरेक्ट टैक्सेस एट इंटर लेवल एंड देन आई टीच इकोनॉमिक्स। तो टीचिंग एक्सपीरियंस कितने साल का है? मतलब सर आपको देख करके लगता है 50 साल का तो होना चाहिए, मतलब साइज वाइज के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम साइज पे मत जाओ। देखो
मालिक अभी कुछ एक डिकेड होने आ रहा है, करीब 10 साल होने आ रहा है। ऑलवेज प्रेस्टीज पॉइंट नाम की जगह सुनी है कभी? हाँ, हम उधर रहते हैं। ये पहली बार मैं इधर आया हूँ। सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो कोई नया सब्जेक्ट है नहीं, राइट? तुम नए हो, हमारे लिए तो सब्जेक्ट पुराना ही है। सर सर मतलब क्या है ये सब्जेक्ट? क्या है पहली बात, हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है? ये सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है मेरे को, ये तो बताओ। फुकट की पंचायती ने दिया है पढ़ने का। चलिए तो एक एक चीज आपको बता दूं। देखो मैं मतलब आप कभी सीनियर से पूछोगे मेरे बारे में तो शायद आपको कभी कोई बता भी दे, राइट? मेरे लेक्चर के टाइम पे ना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो मतलब इमेजिन मत करना कि टीचर के अंदर भूत आया क्या, ठीक है? ये इस फेरी फेरी में ना कुछ भी हो सकता है। पहले दिन आपको बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी हुआ तो डरने का नहीं अचानक से। और कोई बेचारा नया पहले दिन आया ना, उसको बोलना टेंशन मत ले बेटा, टीचर बराबर है, तू ठीक रख। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एक बार मेरे से कहा गया था, थोड़ा सीरियस होके पढ़ा, जीवन का सबसे बोर लेक्चर था मेरा वो। तो बाकी सब टीचर आपको थोड़े सीरियस मिल सकते हैं, मेरा 1 मिनट भी आपको सीरियस नहीं मिलने वाला, एकदम अपफ्रंट बोल रहा हूं। क्योंकि देखो क्या होता है पता है क्या, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, सब लोग बोलते हैं स्टडी हार्ड स्टडी हार्ड स्टडी हार्ड। मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, मेरे को ऐसा लगता है हर चीज हार्ड ही क्यों करनी है। आई मीन टू से, अरे आई मीन टू से हर चीज को हार्ड ही, अरे जॉयफुली भी तो हो सकता है ना, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड जॉयफुली। हर चीज कुछ भी देखो हार्ड, अरे क्या हार्ड, जॉयफुली भी तो सेम चीज कर सकते हो ना यार, जरूरी थोड़ी ना हर चीज को एकदम ऐसा पढ़ना है तो एकदम चलो हार्ड हार्ड गए को ना, जॉयफुली करेंगे, ऐसा नहीं है, राइट? मस्ती के साथ करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, राइट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट है, बस मुझे नहीं पता कितने मार्क्स को आता है, कितने मार्क्स को आता है ये पक्की बात? तो अगर आप लोग का सिलेबस देखा जाए तो 60 मार्क्स को इकोनॉमिक्स है एंड बचे हुए 40 मार्क्स को क्या है, बी सी के। यस, तो इकोनॉमिक्स 60 मार्क को है। सर 60 मार्क को तो है, आता क्या है? मतलब ये रिटर्न पेपर है कि एमसीक्यू पेपर है, क्या है सर ये? सब्जेक्ट एमसीक्यू है, मतलब वो 4 ऑप्शन दिए रहते, बिंदी लगानी रहती वो वाला, बराबर है? सही बंदी लगी तो ठीक, नहीं तो निगेटिव मार्किंग तो है ही। निगेटिव मार्किंग से याद है कितना है निगेटिव मार्किंग, 0.25। अच्छा तो मान लो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व ही नहीं किया तो मेरे कितने मार्क्स कट रहे हैं? क्यों, वो एक मिलेगा क्या? तो टेक्निकली एक तो पूरा ही खत्म हो गया ना तुम्हारा। और अगर गलत कर दिया तो कितने मार्क्स कट रहे हैं? 1.25। हाँ, जो एक गलत सॉल्व किया वो तो कटेगा ही, ये दूसरे को और 25% लेके डूबेगा। समझ आ रही है बात? सो हाउ निगेटिव मार्किंग वर्क्स? मालिक निगेटिव मार्किंग वर्क करता है कि अगर तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, सपोज कर लो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो तुम्हारा वो एक मार्क मिलेगा ही नहीं, रादर कटने की जगह मिलेगा ही नहीं। पर अगर तुमने उसको गलत सॉल्व कर दिया तो तुम्हारा ये तो जाएगा ही, इसमें तेरा अटेम्प्ट जाएगा। समझ आ रही है बात? वो दूसरे का 25 भी लेके निकल जाएगा। अच्छा जी सर, सर एक बात समझिए, आप इस कोर्स के अंदर में आए हैं, सबसे पहले डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कोर्स के बारे में, क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए यार इस कोर्स से? देखो अगर तुम ईमानदारी से आज पढ़ने के मूड में हो, मैं पढ़ाने के मूड में नहीं है, तो बिल्कुल तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि आज अपन कुछ पढ़ने वाले हैं। हाँ लेकिन आज जो पढ़ेंगे ना दोस्त, आज जो पढ़ेंगे इसका अगले 10 लेक्चर तक बहुत इंपैक्ट है। तो पहले ये समझाओ इस कोर्स में क्या सोच के आए हो, किसने तुमको इस कोर्स में ढकेला है? घर वाले एकदम से, हाँ घर वालों ने बोला करने का करने का, ठीक है। और मनी, सीधी बात है, वही उसी के लिए आए। किसी का ऐसा है क्या कुछ, मैं सीए बनने के बाद फ्री में रिटर्न भरूंगा किसी के, है ना? ये इतने एथिक्स फॉलो नहीं करने के लाइफ में, है ना? किसी का है मैं देश सेवा करूंगा, सबको फ्री में रिटर्न दूंगा, फ्री में ऑडिट करूंगा? नहीं, देख बेटा अपने सपने बड़े हैं, अपन है ना कुछ अलग यूथ है, अपने को पहले चाहिए पैसा, है ना? अपने शौक पानी बड़े हैं, ठीक है? तो ठीक है, पैसे के लिए आयो, मम्मी पापा ने भेजा, और क्यों आए हो? हाँ जी, स्टेटस, इज्जत मिलती सर, बहुत इज्जत मिलती। अच्छा
ठीक ओके, इज्जत मिलती। हाँ और नॉलेज, सर देखो दोस्त कर रहा था इसलिए कर लिया, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। सर देखो मैथ्स आता नहीं, मैथ्स आता नहीं इसलिए साइंस का ऑप्शन कट, तो फिर बचा क्या कॉमर्स। फिर कॉमर्स में देखा कि क्या करना है जिससे थोड़ा कुछ मिल जाए, तो सर हमारे को समझ में आया कि ये एक कोर्स है, चलो ट्राई करके देखते, है ना, हुआ तो ठीक, नहीं तो देखेंगे आगे क्या करना है लाइफ में, बराबर ना। और अच्छा चलो पैसे की बात करी किसी ने, क्या लगता है कितने पैसे कमाता है जाता है एक सीए जनरली, कितना अर्न करता है, ऐसी जनरल पूछ रहा हूँ, क्या लगता है कितना अर्न करता है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इज यू आर रेफरिंग टू पर डे, पर मंथ, पर मिनट? क्या पर मंथ 1 लाख रुपए? तो अगर तुमको मिल जाए तो बहुत खुश हो जाओगे 1 लाख रुपए पर मंथ? हाँ ना, ना जो बोलते हो 1 लाख में 0 कितने होते हैं? 5 0। तो 1 लाख के आगे 5 0 मिल गए तो अपन खुश हो गए ना। और क्या, चलो एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप सोच रहे हो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, मैं तुमको एक कोर्स का फैक्ट बताऊं, इससे ज्यादा तुम्हारा मंथली एक्सपेंडिचर रहेगा। एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपनी ही बात बता रहा हूं। 1 लाख रुपए से ऊपर का तुम्हारा मंथली एक्सपेंडिचर रहेगा। सर सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाओ, चलो बढ़ाओ, ऐसा कुछ भी 10 नहीं करने का, 5, फेयर इनफ, आराम से आ जाता, आराम से आ जाता। लेकिन पता है तुम लोग को, ये वैल्यू को लाने के लिए ना तुमको पहले 4 साल जो, नहीं, मैं अच्छा वर्ड ढूंढ रहा पहले 4 साल 5 साल जो तुमको मेहनत इज द राइट वर्ड, बाकी तो तुम समझ गए। पहले 4 या 5 साल जो तुमको मेहनत करनी पड़ती है ना, वो बिल्कुल मतलब एंडलेस मेहनत है। क्या सुना है सीए में कितने देर पढ़ना पड़ता? 16 घंटे ना? गलत है, 19 घंटा। पूछो कैसे? अरे पूछो ना कैसे। हाँ सीए इंटर में 12 घंटे की तो सिर्फ क्लास है, 12 घंटे की तो सिर्फ क्लास है इंटर में, है ना, उसके बाद में टैक्स का होमवर्क, कॉस्टिंग का होमवर्क, अकाउंट्स का होमवर्क, लॉ का होमवर्क, 12 घंटे तो तुम क्लास कर रहे हो, उसके अलावा 5 घंटे पढ़ना पड़ता। सर क्या आप हमें डरा रहे हो? हाँ यही फाइनल में आकर के 21 हो जाता, 21, फाइनल में आके 21। तो सर फिर सोते कब? सोने के लिए थोड़ी ना है तू, सोना होना कुछ नहीं है बेटा यहाँ पे, ये टैलेंट तेरे को ना इस कोर्स में मिल जाएगा, आंखें खुली रख के सोना। आदमी ऐसा आंख खुली रखता और ऑटोमेटिक सो जाता, खुली रहेगी तुम्हारी आंखें, ठीक है सर। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे, दोस्त कर रहा था इसलिए मैंने भी करके देख लिया, ऐसे है कोई यहाँ पे? नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया। ओके सो लेट अस स्टार्ट समथिंग अबाउट यू नो इकोनॉमिक्स। ये 60 मार्क का सब्जेक्ट है, पर ये 60 मार्क कैसे बेनिफिट क्रिएट करते हैं? ये 60 मार्क में आपको एग्जैक्टली क्या है, कितने चैप्टर है, आपको तो जाहिर सी बात है पहले दिन समझना होगा ना। आखिर ये 60 मार्क के लिए मेरे को पढ़ना कितने टॉपिक है? 5। कितने टॉपिक? 5, मतलब बस 5 चैप्टर है, ये थोड़ी देर में समझेगा, बस 5 है क्या? ठीक है अच्छा जी। अब ये इकोनॉमिक्स और 12th के इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है पहले ये समझ लो, क्योंकि 12th में अगर आप देखोगे मालिक आपको 12th में भी इकोनॉमिक्स है, राइट? तो 12th के इकोनॉमिक्स और ये फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? पूरा सेम है, पूरा सेम है, डिफरेंस कहां आता है? डेप्थ। 12th के इकोनॉमिक्स में वो डेप्थ जो है और यहां का जो डेप्थ है ये बहुत ज्यादा है, मतलब टॉपिक आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, कंटेंट आपको बहुत सारा सेम मिलेगा, लेकिन यहां पे वेरिएशंस इतने सारे हैं। और वेरिएशंस क्यों है? क्योंकि आपसे एज अ सीए मालिक की एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सिचुएशन हुई तो क्या, वो सिचुएशन हुई तो क्या, आपको मल्टीपल ऑप्शंस के साथ गेम दिया जाता है। क्योंकि मालिक जब क्लाइंट आता है ना, क्लाइंट अलग अलग एक सिचुएशन लेकर के आता है, वो बोलता है सर ऐसा कर ले तो क्या, वैसा कर ले तो क्या, ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस आपको पता होने चाहिए। 12th में आपको कंसेप्ट बताते और छोड़ देते,
फाउंडेशन के अंदर में कॉन्सेप्ट, इसके एक्सप्लेनेशन, इसके फीचर्स, फिर इसके एक्सेप्शन सब एक साथ डाला गया है। अच्छा जी सर, सर मुझे एक और बात बताइए, ये 60 मार्क के लिए आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, बराबर? हाँ सर बराबर। सर तो मेरे को एक बात बताओ, ये मतलब आखिर ये पढ़ती क्यों है जरूरत? कोई व्यक्ति इकोनॉमिक्स पढ़ता क्यों है? आप सभी ने 12th कर लिया, कंप्लीट हो गया ना? वो जो बचपन से हमें बताया गया था 12th कर लो फिर बहुत स्कोप है, तुम्हारे साथ भी ये धोखा हुआ है? 12th कर लो बहुत स्कोप है, बाद में समझ में आता स्कोप तो है ही नहीं। सो एक बात समझो मालिक, आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, डेफिनेटली इसके अंदर में पढ़ना क्यों है पहले ये समझना है, पढ़ेंगे कैसे वो बात का विषय है, पढ़ना क्यों है ये समझना है। तो चलिए समझते हैं, बात उन दिनों की है, बात उन दिनों की है जब ये मेरी प्यारी सी काबिल सी दोस्त, राइट, क्या नाम है बच्चे आपका? प्राजक्ता, ठीक है। तो मैं पहली बता रहा हूँ, यहाँ पे ना एग्जाम्पल किसी पे भी बनेंगे और किसी ने बुरा नहीं मानने का, ठीक है, सबने स्पोर्टिवली लेने का, और बुरा मानो तो प्लीज अपने आप को माफ कर देना कि तुमने ये काम किया है। तो बात उन दिनों की है, बात उन दिनों की है जब प्राजक्ता अपनी गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के जा रही थी मस्त, इसने लेफ्ट इंडिकेटर दिया, मुड़ा राइट में, खैर आपको तो पता ही है, ठीक है। अचानक वो ये एक शॉपिंग मॉल के अंदर में गई, शॉपिंग मॉल के अंदर में इधर एप्पल के शोरूम में गई, वहां पे एक उष्ट सफरचंद रखा था, वहां पे गए, वहां पे स्टोर वाला, सो हियर आई एम स्टोर वाला एंड प्राजक्ता। प्राजक्ता ने जैसे ही मोबाइल देखा, मोबाइल देखने के बाद स्टोर वाला, जी मैम बताइए क्या हुआ? भाया ये कितने का भाया? प्राइस क्या है इसका भाया? मैडम ये किडनी, आई मीन 140,000, 140,000 मैडम। नहीं ना भाया, मैं तो आपकी रेगुलर कस्टमर हूं ना। मैडम स्टोरी कल ओपन हुआ है। नहीं भाया, मैं इसकी 140,000 रुपए नहीं दूंगी ना, नो। ठीक है मैम, एक काम कीजिए, फोन एक 30 का, ये 10 का, अब ठीक है? हाँ ये चलेगा, अंडरस्टैंड भाई, वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स। हम जब भी इनकम कमाते हैं, एवरीबडी अर्न्स इनकम, वेदर यू आर इन कॉमर्स और नॉट, हाँ या हाँ? अरे हाँ या हाँ? एवरीबडी अर्न्स इनकम, नो एवरीबडी अर्न्स इनकम, तो उसकी कुछ वॉन्ट्स है, उसकी कुछ नीड्स है, उसकी कुछ डिजायर है, हाँ या ना? इनकम अनलिमिटेड है क्या मालिक? गिवन एन ऑप्शन, इनकम अनलिमिटेड है क्या? नहीं। वॉन्ट्स अनलिमिटेड है क्या? वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। बात समझना, अपन थोड़ा टीचर के साथ शायरी में भी रहते हैं, तो जरा दाद देना थोड़ा सा, सुनो तुम्हें पहले से खाता हूँ। शायरी में दाद देने का मतलब होता है इरशाद, दैट्स हाउ इट स्टार्ट, फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना तो होता है वाह, ठीक है, और जब खत्म होता है ना, खत्म होता है ना, और अगर एकदम दिल तक अंदर गई है तो उसमें कहा जाता है दर्द है, क्या कहा जाता है? दर्द है, नहीं तो बहुत खूब। समझ में आया? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। चालू होने से पहले क्या होता है? इरशाद, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है? वाह होता है। समझ आई नहीं है, बात का विषय है, पहले वाह करना होता है, और एंड में आके क्या करना होता है? दर्द है, मतलब एकदम दिल तक चले गई तो, और नहीं तो बहुत खूब, ठीक है। तो जरा दाद दीजिएगा। हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा, हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा, सीख गए लोग। हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने फिर माशूका फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा। समझा कि घंटा किसी को कुछ नहीं समझा, समझ आ रहा तुमको? और अचानक इनको दर्द भी हो गया, समझ रहे? So, हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा। देख मेरे भाई बात समझ, बचपन से लेके आज तक, मतलब जब तू कमा रहा था या तू जब नहीं कमा रहा था, बचपन से लेके आज तक तेरे शौक ना हर समय पे बदले हैं। पूछो कैसे? हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने, जब तुम छोटे थे
तब तुमको क्या चाहिए था? खिलौने। मतलब हाइट तो तब हो गई जब लड़के भी बारबी डॉल मांग रहे थे, पता ही नहीं था करना क्या है। बात समझ आ रही है? लड़के बारबी डॉल मांग रहे, बेचारों को पता ही नहीं करना क्या है। बराबर है। सो हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा। पहले खिलौने, पहले क्या चाहिए था? खिलौने चाहिए थे। फिर माशूका। अभी जिस एज में तुम हो, ठीक है, क्या चाहिए? किंग को एक क्वीन चाहिए, क्वीन को एक किंग चाहिए, ऐसा एक सिचुएशन। माशूका, प्यार। ठीक है, हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा। पहले खिलौने, फिर माशूका, फिर रुतबा। अभी जैसे मैं जिस एज में आ गया, अभी प्यार हो गया, जिससे प्यार करते थे उससे शादी भी हो गई, तो अब क्या चाहिए? रुतबा, पैसा चाहिए। और एक समय आएगा जो अपने दादाजी वाली एज होती है ना, एक समय आएगा खुदा खुदा। तो हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर माशूका, फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा। लेकिन एक बात समझिए इस पूरे शायरी में, इस बात समझने लायक ये है कि चाहे हम कोई इनकम कमा रहे थे, नहीं कमा रहे थे, आपकी वॉन्ट्स कभी खत्म नहीं हुई, आपकी वॉन्ट्स कभी खत्म नहीं हुई। पहले चाहिए था, क्या चाहिए था मालिक? खिलौने चाहिए थे, खिलौना कुछ भी मिल जाए। पहले क्या चाहिए थे? खिलौने। फिर क्या चाहिए थी? माशूका। फिर क्या चाहिए थी? रुतबा। और फिर क्या चाहिए? खुदा खुदा। मतलब आदमी कोई भी सिचुएशन में हो, कमा रहा हो या नहीं कमा रहा हो, उसकी वॉन्ट्स तो है। यस और नो? एक बच्चा जो घर पे, हमारे घर पे एक बच्चा होगा, कोई छोटा बच्चा होगा, कजिन होगा, आप देखिएगा वो कमा कुछ नहीं रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो कंज्यूम नहीं करता कुछ। बराबर है? यानी ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब इकोनॉमिक्स का क्या पढ़ाना है? हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स हमें बताता है हाउ टू यूज रिसोर्सेज इन सच अ मैनर, हाउ टू यूज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, इफ आई हैव 100 रुपीज, प्राजक्ता गई, प्राजक्ता 150,000 रुपीज लेकर के गई, अब ये 150,000 को वो किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकती है, ये 150,000 को वो क्या क्या कर सकती है, इसको जिस चीज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो चीज हमें इकोनॉमिक्स में सीखनी होती है। इसको हम कहा जाता है यूटिलिटी के तौर पे, कि भैया मैंने अगर 10 रुपए खर्चा किए तो मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको खर्चा करके, दैट कैन बी मेजर्ड इन इकोनॉमिक्स। और जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है ये इकोनॉमिक्स में सीखना होता है कि आप कैसे मिनिमम अमाउंट के साथ मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट के साथ मैक्सिमम रिसोर्सेज। तो मालिक रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट, बट वॉन्ट्स क्या है? अपनी अनलिमिटेड। वॉन्ट्स क्या है? अपनी अनलिमिटेड। तो कैसे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस के साथ इन वॉन्ट्स को यूज किया जा सकता है, इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। समझ में ही बात? तो चलिए अब एक एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए प्राजक्ता के पास 150,000 रुपीज है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन वो यूज कर सकती है? जैसे ट्राई करते जाओ, 1.5 लाख रुपए है, अब चलो अपने ऊपर ही एग्जांपल डाल दो, प्राजक्ता को छोड़ो, अपने ऊपर ही एग्जांपल डाल दो, 1.5 लाख तुम्हारे पास है, आज तुम क्या क्या लेना चाहोगे? पहला क्या कर लोगे? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलते जाओ। देख मेरे भाई, यहां पे ना चुप नहीं बैठना, मेरा लेक्चर चुप बैठने वालों में से नहीं है, ठीक है? तो यहां पे बोलना है, क्योंकि बॉस देख, जब तक कि तू बोलेगा नहीं ना तब तक के कुछ समझ नहीं आएगा। और दूसरी बात, हम ऐसे कोर्स में आ रहे हैं जब तक कि तुम बोलोगे नहीं, मे भी हो सकता है हम गलत हो सकता है ना, गलत हो, पर हम सब यहाँ पे सीखने आए हैं। आज अगर तू यहाँ पे 50 लोगों की भीड़ में नहीं बोल पाएगा तो कल चल के रिलायंस के AGM में 50,000 लोगों के सामने क्या बोलेगा? बोलना तो पड़ेगा, गलत होगा चलेगा ना यार, अपन सब सीखने आए हैं। बताओ 1.5 लाख रुपये में क्या क्या कर सकते हैं? मोबाइल ले सकते, मोबाइल 1.5 लाख का आया, नहीं ये तो 1.40 का था, बचे हुए 10,000। अच्छा सर, चार्जर भी तो लेना है सर। तो चलो एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 क्रिएट कर दिया मैंने, ऑप्शन नंबर 1 मोबाइल प्लस चार्जर प्लस केबल, केबल भी आता ना मालिक उसके साथ, राइट। अच्छा दूसरा और क्या कर सकते हैं 1,50,000 से? सोना ले सकते, इन्वेस्टमेंट ले कर सकते, सेविंग्स कर सकते, जरूरी थोड़ी ना है तो यूज ही करना है, अरे जरूरी थोड़ी ना है तो यूज ही करना है, कई बार यूज नहीं भी हो पाता, सही है कि नहीं? हाँ कई बार यूज नहीं भी हो पाता। आगे
आगे बाइक ले सकते हैं, लड़कों का शौक, लड़कियां अभी अभी भी लड़कियां खेलती बारबी डॉल से बड़े होके, नहीं ना? हाँ वही तो बोलूं मैं। हाँ और क्या, लड़कियां क्या लेना चाहेंगे? कार लेना चाहिए, और डेढ़, एक मिनट, 1.5 लाख में? हाँ मतलब सेकंड हैंड आ सकती है, चलो ठीक है ओके। कार और क्या कर सकते 1.5 लाख में, जल्दी बताओ क्या क्या कर सकते? बाली घूम के आ सकते हैं। तो आसपास का कोई कंट्री बोलने वाला था ना? हाँ नहीं, मेरे को नहीं मालूम, पूछ रहा हूँ होगा क्या। हाँ तो ये बोल रहा है भैया कोई तो एक और जगह है, वहां पे भी जा सकते हैं। और क्या हो सकता है? लड़कियां ये बोल सकती हैं मुझे कपड़े खरीदना है, शॉपिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आप एक बात समझ के देखना, 1.5 लाख रुपए में, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 1.5 लाख रुपए अपन ने खर्चे, आपको नहीं लगता ये पर्सन टू पर्सन डिफर हुए? एक एक बात समझना, चलो धीरे धीरे कंसेप्ट में घुसेंगे, राइट? अपन जब पढ़ेंगे ना बेटा, अपन पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और देखना इकोनॉमिक्स को बनाना ही तुम चालू करोगे, तुम उसको डेवलप करोगे। तो चलो अभी मैं जो आपसे एक्टिविटी करवा रहा हूं ना, ये डेवलपमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्ड, 1.5 लाख रुपए ही है तेरे पास, पर आपने एक बात देखी, 1.5 लाख में सबका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग है, राइट? कोई कार लेके खुश है, कोई बाइक लेके खुश है, कोई बाइक प्लस कपड़े लेके खुश है, कोई सेविंग करके खुश है। मतलब पर्सन टू पर्सन इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन डिफरेंट हो सकता है, मालिक समझना, पर्सन टू पर्सन यूटिलाइजेशन, पर्सन टू पर्सन इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हर एक के लिए अलग हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है, हर एक का सेटिस्फेक्शन अलग होगा, उसको बैंकॉक जाके मजा आया, इसको बाली जाके मजा आ रहा है, बात समझना, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई बाली जाके खुश है पत्थरों को देख के, समझ में आ रहा है? सो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिफर, यानी क्या मैं कह सकता हूं, इकोनॉमिक्स किसी एक एंगल से देखा जा सकता नहीं, इट हैज मल्टीपल एंगल, यानी ये कॉइन के जैसा भी नहीं है, इट हैज जस्ट टू साइड्स, ना, इट हैज मल्टीपल साइड्स, यस, इसके मल्टीपल डायमेंशंस है। अच्छा जी सर, हो अच्छा, हाँ नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर, मुझे एक बात समझाइए, इकोनॉमिक्स किसी एक पर्सन के लिए ही पढ़ना है हमें, ठीक है? हाँ या हाँ? इकोनॉमिक्स किसी एक पर्सन के लिए ही पढ़ना है, या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए भी पढ़ा जा सकता है, या नेशन के लिए भी पढ़ा जा सकता है? नेशन के लिए भी तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट फंडा एप्लीकेबल है क्या? सोच के बताओ, सिर्फ सोचते जाओ, क्या इकोनॉमिक्स का फंडा सिर्फ ह्यूमंस पे एप्लीकेबल है, या फिर आर्टिफिशियल पर्संस पे भी एप्लीकेबल है? आर्टिफिशियल पर्संस पे भी एप्लीकेबल, कैन यू प्लीज गिव मी वन एग्जांपल, कैसे आर्टिफिशियल पर्सन पे एप्लीकेबल है? बिजनेस, बिजनेस की वांट्स भी अनलिमिटेड हो सकती है, यस। बिजनेस को क्या क्या लगता है, चलो सोच के देखते हैं। अब सपोज ये अपना एकत्व है, ठीक है, अब इसमें हमारी नीड्स क्या क्या है? पहली बात चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, फिर अपने को चाहिए पानी, फिर अपने को चाहिए लाइट्स। वांट्स तो अनलिमिटेड है ना, रिसोर्सेस कैसे हैं? स्केर्ड। रिसोर्सेस कैसे हैं? स्केर्ड है, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसके ऊपर भी इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल है? क्यों? वांट्स तो है ना ब्रो, हैशटैग ब्रो, वांट तो है ही ना, जरूरत की चीजें तो उसको भी लग रही है, यानी क्या मैं कह सकता हूं, एमसीक्यू पूछा था इंस्टीट्यूट ने 2 बार, वेदर नॉन, वेदर ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेदर इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू और फॉल्स? समझ में ही बात, यानी जरूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो इसी को इकोनॉमिक्स हो। अरे भाई लॉजिकली रिसोर्सेज आर स्केर्ड फॉर एवरी पर्सन, वेदर यू आर नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन, वेदर यू आर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट। अच्छा इकोनॉमिक्स सिर्फ हमारे देश के लिए काम का, ठीक है? हाँ चलो बोलो, हाँ इकोनॉमिक्स सिर्फ हमारे देश के लिए काम का है, कोई और देश के लिए इकोनॉमिक काम का नहीं है, ठीक है? सिर्फ भारत में इकोनॉमिक्स काम का है, थाईलैंड में काम करनी है,
बाली में काम करनी है कि वहां पे भी रिलेवेंट ही होगा ये, क्या वहां पे भी रिलेवेंट होगा? तो चलिए आपको एक एमसीक्यू बताना है, जवाब देना है। इकोनॉमिक्स इज अ नेशनल फेनोमेनन और एन इंटरनेशनल फेनोमेनन? इंटरनेशनल। अरे मेरे भाई, रिसोर्सेस की कमी तो हर जगह है, सिर्फ इंडिया में ही थोड़ी ना, हर जगह रिसोर्सेस की कमी है। इंडिया में ही नहीं, हर जगह रिसोर्सेस की कमी है। जरूरत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम। जरूरत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम। तो ये एक इंटरनेशनल फेनोमेनन है। अच्छा जी सर, सर मेरे को एक और सवाल आया, बहुत जोर से आया, पूछू क्या? इधर आओ, इधर आओ, सुन, देर से बात कर रहा हूं मैं इतने देर से, ठीक है? बोल कुछ, परेशान हो गया है तू सुबह से? और इधर आओ, परेशान हो गया बेटा सुबह से? घर जाना है? ओ, घर जाना है देखो, पर मैं छोड़ूंगा नहीं तो जाएगा कैसे? मैं छोड़ूंगा तब जब तू जवाब देगा। तू सुन रहा है, मैं तेरी बात कर रहा हूँ, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। इन लोग, ये लोग अपना शरीर लेके, आत्मा नहीं, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोल, जवाब दे, समझ आया? तो मैं इससे बात कर रहा हूँ कि आपको ही जवाब देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा ना, देते क्यों नहीं, दो ना, सुन। जल्दी बताओ सेठ, नेशनल फिनोमिनन है इंटरनेशनल फिनोमिनन? इंटरनेशनल फिनोमिनन। मैंने आपको बोला ना भाई, बाकी सारे लेक्चर में शांत बैठने का, इधर नहीं बैठने का। सर एक और बात बताओ, मेरे को ना अभी एस एम सर बोल रहे थे इकोनॉमिक्स इज नॉट रेलेवेंट टू गवर्नमेंट। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्यों? हाँ तो बढ़ते जाओ, सही बोल रहे हो भाई, देश की भी तो वॉन्ट्स है अपनी। जब तक के टैक्सेस नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, देश चलाओगे कैसे? सो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। तो अगेन हम लोगों ने एक और चीज सीखी, चलिए देखते हैं बातें बातों में, मस्ती मस्ती में क्या क्या सीखा। पॉइंट नंबर वन, व्हाई वी लर्न इकोनॉमिक्स? टू फुलफिल, बराबर है, टू फुलफिल आर वॉन्ट्स, बिकॉज वॉन्ट्स आर, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बराबर है। ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अरे हाँ हाँ, ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नो, ये सिर्फ नेशनल फिनोमेनन है। इज इट एप्लीकेबल टू ऑल नेशन? इट इज एप्लीकेबल टू प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज लॉस मेकिंग? मालिक समझ में आ रहा है क्या? इट इज ओनली एप्लीकेबल टू नेचुरल पर्सन? इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू आर्टिफिशियल पर्सन? देख मस्ती मस्ती में बात होती जाती है, अलग अलग एमसीक्यू होते जाते हैं, सिर्फ बात करते जाओ, ऑटोमेटिक सारी चीजें होती जाएंगी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एक और सवाल आ रहा है मेरे पास। सर मुझे एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स जो है ये दो तरीके का हो सकता है। एनीवन, ट्वेल्थ का कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड, माँ कसम, एक नंबर। दो तरीके से हो सकता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल यूनिट, मे बी अ शॉप इन इंदुलाल, से यस, अरे हाँ, राइट, मे बी अ शॉप इन इंदुलाल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ माइक्रो थिंग, राइट। इफ आई टॉक अबाउट ऑल द स्टेशनरी शॉप्स इन इंडिया, एम आई टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट वन, दैट इज मैक्रो? तो एक और चीज सीखी हमने, इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के मालिक? दो, या तो शॉर्ट या तो लॉन्ग, दैट मीन्स माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो, दो तरीके के है, राइट। माइक्रो के अंदर में हम इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो। अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो। क्लियर है मालिक? चलो बहुत बढ़िया, अब मजा आ रहा है, अब बोलते जाओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आ रहा है, आ रहा है, एक और सवाल आ रहा है मेरे पास। सर मुझे एक बात बताइए, आखिर ये इकोनॉमिक्स लाया किसने? नहीं मतलब इतना लंबा डिस्कशन तो हमने कर लिया, इतना लंबा तो डिस्कशन कर लिया, लाया किसने, किसको सूझा होगा? मतलब देखो, ऐसा हुआ होगा ना कि कोई किसी दिन सो रहा होगा, इतने में इकोनॉमिक्स के देवता आए होंगे, उठ उठ,
कल से तुझे इसे किताब में लिखना है और लोगों को बता देना है। लाया किसने होगा? एडम स्मिथ है ना, बाबा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इज्जत से नाम लिया जाता है। कैसे बोला जाता है? बाबा एडम स्मिथ। पर एडम स्मिथ ने लाया, भारतीय संस्कृति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। किताबों में लिखा है एडम स्मिथ ने लाया, पर आपको लगता है इंडिया में ये एडम स्मिथ ने लाया होगा? नहीं, इंडिया में ये बहुत पहले से चल रहा है और लाया गया था श्री चाणक्य जी द्वारा। अभी नाम सुना है इनका? वो अपने को हिस्ट्री जैसा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, याद आ रहा है तुम्हारे को? ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुमको बताया जाता था उसने क्या किया, और तुम बैठे बैठे सोचते थे मेरे को क्या करना है। साला पढ़ा फ्यूचर के ले रहे हो, बता हिस्ट्री दे। कतई जहर सब्जेक्ट, समझ आ रहा है तुमको? आप में से ऐसे कोई है जिसको हिस्ट्री पसंद आता था? 1, 2, 3, 4, 5, आप मेरे को माफ कर देना, मेरे को आज तक नहीं समझ में आता वो पढ़ा क्यों रहे। मतलब आप सोच के देखो, किसने क्या किया था, इससे मेरे को क्या करना है यार, मेरे को क्या लेन देन है, बराबर है? दूसरा एक हद घटिया फालतू सब्जेक्ट बताता हूं मैं तुमको, मैथ्स। मतलब देखो, मेरे को सब्जेक्ट से पसंद नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको पसंद नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। मेरे को पसंद नहीं आता, हो सकता है आप लोग को बहुत पसंद आता हो, राइट? और हो सकता है आप में से बहुत लोग मेरे जैसे हो, आपको उससे उतना ही प्यार है जितना आपको आपके एक से था। नहीं, मतलब मेरे को मैथ्स के साथ तकलीफ ये है, व्हाट यू नीड टू फाइंड एक्स, अबे जो चले गए उसको ढूंढना क्यों है? जो लाइफ से चले गए उसको ढूंढना क्यों है? और बात बोल रहे हो क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं बची उसकी, क्यों निकालने बोल रहे हो? फिर भी निकालने बोला जा रहा है, करेक्ट है कि नहीं? बट खैर, अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। चलिए मुझसे एक बात बताइए, ये इसी आड़ी टेढ़ी बात से मुझे एक छोटी सी चीज याद आई, इज इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू अदर टॉपिक एज वेल? क्या लगता है तुमको, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते रहेंगे, रिसोर्सेस पढ़ते रहेंगे, क्या हमें अकाउंट्स की जरूरत पड़ सकती है कभी? मैथ्स की जरूरत पड़ सकती है कभी? हिस्ट्री की जरूरत पड़ सकती है कभी? बिल्कुल पढ़ सकती है। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू ऑल द सब्जेक्ट्स। व्हाई? बिकॉज हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई रिसोर्सेस की बात की गई है और उसके स्कार्सिटी के इश्यूज हम डील करते हैं। तो चाणक्य जी थे, वापस आते हैं, चाणक्य जी ने बहुत पहले से ही एक बुक लिख रखी थी हिंदी में, अर्थशास्त्र। कौन सी बुक है मालिक? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में उन्होंने पहले ही इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ बोला, पर आपको तो पता है हमारा कंट्री के ऊपर बहुत लोगों ने राज किया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने पूरा सिलेबस जो किया वो अपने हिसाब से डिजाइन कर दिया और बोला बाबा एडम स्मिथ ने पहली बार इकोनॉमिक्स को ढूंढा था। गलत है सर, थोड़ा सा लॉजिकली देखा जाए तो हमारे देश में बहुत पहले से ही सारी चीजें अवेलेबल है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको प्राउड होगा इंडिया के ऊपर, राइट? अभी जैसे बोला जाता है कि यू नो ज्योग्राफी, ये भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हाँ, वो फालतू सब्जेक्ट जो अपने को बताता था ये इधर है वो उधर है, एंड यू विल बी लाइक ब्रो आई नो देयर इज गूगल मैप, मेरे को क्यों जानना है? चलो बात समझिए। तो कोई कहता था ज्योग्राफी लाया, किसने लाया? वो यू नो किसी व्यक्ति ने लाया, फॉरेन के किसी व्यक्ति ने लाया। किसका मामा? अच्छा, वास्को डी गामा। सो उन्होंने बोला कि भैया वास्को डी गामा, हाँ राइट, उन्होंने लाया। जिसने भी लाया, मुझे एक बात बताओ, ज्योग्राफी में हमें बताया गया कि भैया पृथ्वी गोल है, बराबर है? हमें बताया गया था पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया? ये बताया जा रहा है किसी यू नो ब्रिटिशर द्वारा, द देन टाइम। सच में ब्रिटिशर्स हमें बताएंगे पृथ्वी गोल है? अबे हमारे भारत का कल्चर, एक बात बताओ, ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये हमें बताएंगे दुनिया गोल है? अबे हमें ऑलरेडी पता है भू गोल है, इंडिया का कल्चर है भाई, भू यानी भूमि, भूमि क्या है? गोल। दूसरी बात, इंडिया का कल्चर देखो मालिक, अगर आप विष्णु जी का एक अवतार देखोगे, वराह अवतार, राइट, उनके ट्रंक पे ऑलरेडी पृथ्वी दिखाई है, वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, वो गोल फॉर्म में ही है। तो इन्होंने आके हमें बताया कि पृथ्वी गोल है? ना, हम ऑलरेडी जानते थे, समझ रहे हो बात? हम ऑलरेडी ये लोग हमें बता रहे भैया 9 planets थे। अब सदियों से इंडिया में ना पूजा करते वक्त 9 सुपारी रखी जाती है,
वो पूजा करते वक्त सुपारी नहीं रखते, ये ऑलरेडी नौ प्लैनेट डिनोट शो करते हैं, समझ आ रही हुआ? तो ये हमें बता रहे थे, पर ठीक है, किताबों में लिखा है, चुपचाप सुनने का। तो लाया किसने? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे। एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे, और बाद में उन्हें इकोनॉमिस्ट का दर्जा दिया गया। क्यों? इन्होंने एक बुक लिखी। इन्होंने क्या किया? बुक लिखी। किसी के सपने में आके नहीं बोला था ये इकोनॉमिक्स है। इन्होंने क्या किया? एक बुक लिखी। बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी बुक थी बेटा? द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इन्होंने इकोनॉमिक्स की बात करी। अब इतनी मजेदार चीज बोलने जा रहा हूं, मोहब्बत हो जाएगी सब्जेक्ट से, ध्यान से सुनना। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। किसने लिखी? बाबा एडम स्मिथ। ठीक है, बाबा एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी। अच्छा जी, बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन नाम की इस बुक के अंदर में उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा। लेकिन आप पता है एक डिफरेंस है, इसके पहले भी इकोनॉमिक्स हुआ करता था, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के लिए था, मतलब आदमी इनकम अपने लिए कमाता था। एडम स्मिथ को इतना बड़ा दर्जा दिया गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का दर्जा दिया गया, वो क्यों दिया गया उसका लॉजिक समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है इकोनॉमिक्स हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भारत में बहुत पहली बार बहुत सालों से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इशू ये है मेरे भाई कि एडम स्मिथ को इतनी इज्जत क्यों दी गई है। बात समझना, बहुत लॉजिकल है। बात यह है कि इसके पहले आदमी कमाता था, खुद के लिए कमाता था। एडम स्मिथ ने अपनी किताब में लिखा वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने कहा खुद के लिए भी कमाओ और देश के लिए भी कमाओ। इकोनॉमिक्स के प्रकार कितने थे? कौन से कौन से? एक आदमी के लिए बात कर रहे तो पूरे देश के लिए बात कर रहे। कुछ समझ आया क्या? बाबा एडम स्मिथ को इज्जत इतनी क्यों मिली? उसके पहले भी लोग कमाते थे लेकिन खुद के लिए। वेल्थ ऑफ नेशन। बाबा एडम स्मिथ ने बोला देश कैसे चलाना है, देश को भी अर्निंग करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। टैक्सेस निकले वहां से। वहां से क्या निकले? टैक्सेस। कि तुम तुम्हारे कमाने के बारे में मत सोचो, देश के बारे में भी सोचो कुछ। यस, क्योंकि जो तुमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो तो अल्टीमेटली पूरे देश से मिल रहे हैं। और इसलिए एडम स्मिथ को बहुत ज्यादा इज्जत मिली, क्योंकि दे हैव नॉट जस्ट थॉट अबाउट एन इंडिविजुअल यूनिट, दे हैव ऑल्सो थॉट अबाउट एग्रीगेट यूनिट। और तब जाकर के इकोनॉमिक्स दो प्रकार का बना, माइक्रो और मैक्रो। समझ में आ रहा है? हाँ या हाँ? समझ में ही बात। आज जाना वो जो अपने 11वीं 12वीं के निबंध भी रहते ना, होनी है ना 11वीं 12वीं के निबंध भी, उसको ऐसा कजिन को बैठाना, तेरे को मालूम है क्या इकोनॉमिक्स दो प्रकार का ही क्यों रहता? क्या मालूम है? उसको बोलना देख एक एडम स्मिथ करके बाबा थे, चलो रिवाइज करो मेरे साथ। उसको बोलना अपने छोटे कजिन को, उसको बोलना देख बाबा एडम स्मिथ थे। इनको इतना क्यों माना जाता है पता है? क्यों माना जाता है बताओ छोटे कजिन को? ये दिख रहा है तुमको तुम्हारा कजिन? हाँ या हाँ? ये कजिन दिख रहा है ना तुमको? हाँ, बस अब तुम सही जा रहे हो। तो ये कजिन को क्या बताना, बाबा एडम स्मिथ को इतनी इज्जत क्यों है? क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल यूनिट की इनकम के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने एक और चीज के बारे में सोचा, एग्रीगेट, देश की भी इनकम के बारे में सोचा। वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन को एज अ ग्रो कैसे किया जाता है। और इसके पहले हर एक जन अपनी अपनी पर्सनल बात कर रहा था, सेल्फिश, सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। पहली बार वर्ल्ड में किसी ने देश की भी बात करी, और इसलिए इतनी इज्जत दी जाती है। अचानक वो कजिन को लगे, और इसीलिए माइक्रो एक यूनिट, और पूरे देश की बात कर रहे तो होल यूनिट मैक्रो, और इसलिए इकोनॉमिक्स दो प्रकार के। अचानक उस कजिन की आंख में आंसू आ जाएंगे, भाई रिस्पेक्ट। वो भी सोचेंगे मैं भी सीए करेगा। फैक्ट अपने को पता ही, अपने को कहां से पता चला? उसको ये दिखाने का अपने पास बहुत नॉलेज है। यस, सो चलो एक क्विक रिविजन करेंगे, क्या क्या पढ़ा, चलो स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, विजय सर, खत्म। बराबर है, वो डिग्री मैंने कमाई है, वो मेरी चीज है, ठीक है, वो छोड़ दो, बाजू रखो उसको। मालिक मुझे एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स कितने मार्क का सब्जेक्ट है? एमसीक्यू थ्योरी, क्लियर है? अच्छा जी सर, सर मेरे को एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है? वंस आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केयर्ड। तो इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाता है स्केयर्ड रिसोर्सेज को, अनलिमिटेड वंस को कैसे यूज किया जाए टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, टू गेट
मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिल जाए, याद करना प्राजक्ता 1.5 लाख रुपए लेके गई थी, लेकिन इसका सिर्फ एक आउटपुट है या मल्टीपल आउटपुट है? मल्टीपल, मतलब इकोनॉमिक्स किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। तो क्या इसके बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस भी बहुत सारी हो सकती है? अच्छा, तो आज आपसे कोई पूछेगा सड़क पे, जैसे ही बाहर निकलोगे पूछेगा, इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग वालों के लिए है ना? उसको बोलना प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग, गुड। अच्छा, सिर्फ एक देश के लिए है? इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग वालों के लिए? नहीं। कितने प्रकार के होते इकोनॉमिक्स, कौन से? क्लियर है? अच्छा जी, सर एक और बात बताइए, इकोनॉमिक्स सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए है? क्यों? आर्टिफिशियल पर्सन के लिए भी है। अच्छा, इकोनॉमिक्स को लाने का श्रेय किसके पास जाता है? बहुत सही, उन्होंने हाँ आपके कान में आके बताया था कि कहीं लिखा था, कहाँ लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक में। पर ये इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहा जाने लगा, इतनी इज्जत क्यों दी गई? इसके पहले भी इकोनॉमिक्स था, पीपल यूज टू अर्न फॉर सेल्फ, दे डोंट वांट टू थॉट, दे डोंट वांट टू गिव अ थॉट अबाउट नेशन, और इन्होंने देश की बात करी, एंड दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स बिकेम टू माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। क्लियर है मालिक? खत्म हो गया ना काम, खत्म बेसिक्स। अगले कुछ दिन आपके बेसिक्स ही चलने वाले हैं, राइट मालिक? अगले कुछ दिन आपके बेसिक्स ही चलने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का आपको बुक मिलेगा, बुक के अंदर एमसीक्यू भी कवर्ड है, एमसीक्यू के साथ साथ आप लोग को टेस्ट पेपर भी मिलेंगे द मोमेंट वी कंप्लीट द टॉपिक। यस सर, एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब ये समझ लेना, इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल भी है। इसमें क्या है? प्रैक्टिकल भी है। तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पे सिर्फ थ्योरी है, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे प्रैक्टिकल भी है। अपने को ट्वेल्थ में ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते पड़ते थे इकोनॉमिक्स में, यहाँ करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ, वो डिमांड करके एक टॉपिक आता है आप लोग को, यस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वो फालतू के टॉपिक आते हैं आपको, यहाँ पे वो टॉपिक बहुत रिलेवेंट है, यहाँ पे उसके कैलकुलेशन भी करने पड़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जब पेपर रहेगा, इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है मालिक, इसके अंदर में इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, राइट? अच्छा सर, क्या इकोनॉमिक्स के लिए कोई रजिस्टर रखने की जरूरत है क्या? आंसर इज यस, आपको इकोनॉमिक्स के लिए एक रजिस्टर लेना है, एक रजिस्टर अपन बनाएंगे। नोट्स के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसके अंदर में सिर्फ क्या करेंगे, मार्क करेंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमारे लिए ये पर्सनल सेल्फ नोट्स बन जाएंगे। मतलब ये जो चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, यार देख इतना पैराग्राफ पढ़ना और उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट बाहर निकालना, ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले ये सब रिवाइज होना चाहिए। तो हम हमारे पर्सनल नोट्स मालिक क्लास के अंदर में ही बना लेंगे, उतना बस घर पे जाके रिवाइज करना है, काम खत्म, उससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्लियर है? अच्छा जी सर, बाकी आपके मन के सवाल पूछे। अच्छा एक बात, लेक्चर समझ में आया सबको? पक्का मजा आया? ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है इससे डरने का नहीं, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, मैं भी, बट क्या है मेरे को वो सीरियस पढ़ाना नहीं जमता, ना मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी सीरियस पढ़ने के मूड में नहीं रहते, मस्ती के साथ पढ़ो, कंसेप्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले आधा घंटा तुम लोग कुछ बोले नहीं और आधे घंटे बाद तुमने बोलना चालू किया, भले ही बोले पर बोलना चालू किया, ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, ऑटोमेटिक सब्जेक्ट्स क्लियर होते जाएंगे। क्लियर है? अब आपके मन के कुछ सवाल है तो वो पूछ लो। सब्जेक्ट को लेके कोई मन के सवाल है? मेरे को लेके कोई मन के सवाल है? नहीं, हो गया सर, सोड़ा ना, घर जाने की इच्छा है कि आधा घंटा और पढ़ सकते हैं अपन? इतना प्यारा मुंह बना के बोला ना तुमने, मेरे को सब समझ में आ गया, ठीक है? चलो मालिक आज घर पे जाओ, मिलूंगा आपसे कल, बाय बोलो बच्चों, चलो जी बाय बाय एंड टेक केयर।